YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन पलामू व गढ़वा जिले के तूफानी दौरे के बाद आज डाल्टन के परिसदन भवन में पत्रकारों से रूबरू हुए। बतलाया कि केंद्र सरकार की राह पर चलते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार भी विपक्षी की जुबान बंद करने का प्रयास कर रही है। दवा तथा डॉक्टर के अभाव में बच्चों की मौत पर उन्होंने सरकार पर भारी कटाक्ष किया। कहा कि पलामू प्रमंडल को सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज सौगात के रूप में मिली, लेकिन रिम सहित अन्य सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं में जरूरी सुधार 1000 दिनों में भी नहीं हो सका। मंत्रिमंडल पूरा नहीं करने पर भी उन्होंने सरकार को घेरा और कहा कि सरकार अपनी ही पीठ थपथपाने में लगी है। श्री सोरेन ने कहा, सबका साथ और सबका विकास का नारा बुलंद करने वाली सरकार अपने ही चुनावी वायदे से मुकर रही है। पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का दावा खोखला साबित हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास योजनाओं का काम कागजों तक ही सिमट कर रह गया, धरातल पर कुछ भी नहीं उतारा जा सका। बरसात की मौसम में भी उन्होंने पलामू में सुखाड़ जैसी स्थिति बतलाया। कहा कि राज्य में भाजपा को निकाल बाहर करने की मुहिम झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू कर चुकी है। कहा, मुहिम को अनजान तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही पलामू व गढ़वा जिले में सम्मेलनों के माध्यम से झामुमो कार्यकर्ता में नई स्फूर्ति व ऊर्जा भरने का प्रयास किया गया। कहा, झामुमो कार्यकर्ता निकम्मी भाजपा ने सरकार को उखाड़ फेंकने में पूरी ताकत लगा देंगे। अभी मैं विगत 5-6 दिनों से आपके पलामू प्रमंडल में, चाहे गढ़वा हो चाहे पलामू हो, दोनों जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारा कार्यक्रम रहा और इस वजह से थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र तक भी जाने का मौका मिला। और जहाँ तक ये सरकार सबका साथ सबका विकास भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कह रहा है, मुझे लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया और अखबार के माध्यम से अपने को स्थापित की हुई है, अन्यथा धरातल पर ये बिल्कुल ही निराशजनक स्थिति मुझे देखने को मिला है। आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके इस ज़िले से मंत्री भी हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, किस तरीके से यहाँ पर, ये तो अभी बरसात का मौसम है और अभी सुखाड़ की स्थिति से ऐसा प्रतीत होती है। और ये लोग पलामू प्रमंडल में अस्पताल खोलने की बात करते हैं। मैं यहाँ के मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आप अस्पताल खोलना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, स्वागत योग्य है। पहले ये बताइए, जो रांची राजधानी में रिम्स है, जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर दवाई नहीं मिल रही है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोल के आप कैसे इसको संचालित करेंगे? जो 500 बेड के अस्पताल बने हैं, क्या वहाँ पर डॉक्टर अभी आप लोगों ने रखा है? आपके कार्यकाल में तो सैकड़ों बच्चे, नवजात बच्चे मर चुके हैं दवा के अभाव में, वो भी मेडिकल कॉलेजेस में। ये कुछ नहीं, सिर्फ ठेकेदारी पर था, कमीशनखोरी। कुल मिला के कहा जाए कि ये पूरी तरीके से ढोंगियों की सरकार है। आज रांची में क्या मिला, गरीब योजना मिला, कुछ ये आयोजित कर रहे हैं जहाँ अमित शाह जी परिसंपत्ति बांटेंगे सरकार को। मुझे तो लगता है जितना परिसंपत्ति बांटेंगे उससे ज़्यादा तो वहाँ के फूल और टेंट वालों को पैसे मिलने वाले हैं। क्या जताना चाहता है? कुछ नहीं, आज अमित शाह जी का इस राज्य में दौरा का एक ही मकसद है कि जितने जन विरोधी निर्णय सरकार ने लिए हैं उसकी सबासी के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, रघुवर दास की पीठ थपथपाने के लिए वो यहाँ आए हैं और कुछ नहीं। आज ये सरकार मुझे लगता है कि बिल्कुल क्या है, एक ड्रिंक आता है कोको कोला, कि पेप्सी कोको कोला थम्सअप जैसा काम कर रही है।
जैसे होता है ना कि कोको कोला में 90% पानी होता है, उससे भी अधिक होता है, और थोड़ा सा जो रहता है उसमें थोड़ा चीनी रहता है, मिठास रहता है, रंग रहता है, थोड़ा बहुत कुछ तो उसमें फ्रेग्रेंसेस रहते हैं, बस वही, और बाकी सब इस वजह से काम ये उसी तरीके के करते हैं, 1% का काम कर रहे हैं और 90% का ये विज्ञापन और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने को स्थापित।